तो काफी दिनों के बाद एक अच्छा सा नेकबैंड आ चुका है जो कि ये बोट डॉकर्स 205 प्रो, और इसका जो कीमत है आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ देखने को मिलता है, और 1000 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी फीचर्स देखने को मिल जाती है क्योंकि ये एक गेमिंग नेकबैंड है। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको 65 मिलीसेकंड का आपको लो लेटेंसी मोड देखने को मिल जाती है। तो उस मामले में मैं बोलूँगा कि तो काफ़ी ज़बरदस्त आपको लिए यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लेकिन कॉल और आपकी जो म्यूजिक क्वालिटी आपको कैसे देखने को मिल जाती है यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा, तो वीडियो को बिना स्किप करने तक जरूर देखना। और यहाँ पे भाई फ्लिपकार्ट और अमेजन इसको वन डे पे या फिर जो सेम डे पे डिलीवर करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए मैं ऑलमोस्ट वन डे या फिर सेम डे पे आपको रिव्यू देता हूँ। तो इसी बात के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिजीत, वेलकम टू माय चैनल डे बाय डे। तो ये है बॉक्स पैकेजिंग इस नए बोट डॉकर्स 205 प्रो की, और यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे ऐसे फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है, आपको 30 आवर्स की टोटल प्लेबैक टाइम, बीस्ट मोड जहाँ पे आपको 65 मिलीसेकंड आपको लो लेटेंसी मोड देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको डेडिकेटेड क्विक स्विच मिल जाता है बीस्ट मोड को एनेबल करने के लिए, 10mm के ड्राइवर के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये, और यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.2 जो अभी के टाइम पे लेटेस्ट है, साथ में आपको डुअल ड्राइवर आपको देखने को मिलेगा। मैग्नेटिक ईयरबड्स है लेकिन आपको कोई भी मैग्नेटिक यहाँ पे जो कनेक्शन रहता है वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पे एक्चुअली आपको IPX5 प्लस और स्वेट प्रूफ देखने को मिलता है, तो नॉर्मल से पानी की छींटे वगैरह गिर जाते हैं तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लाइट वेट है, एर्गोनॉमिक डिजाइन आपको देखने को मिलेगा, सिंगल प्रेस में आपको यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट यहाँ पे आपको फीचर देखने को मिल जाती है। यहाँ पे एक्चुअली आपको ENS टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है क्रिस्टल क्लियर कॉल करने के लिए। तो जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि आपको बॉक्स कंटेंट में यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बोट हेड की एक स्टिकर देखने को मिल जाता है, एक 1 ईयर की वारंटी कार्ड जहाँ पे जो QR कोड या फिर जो पीछे ये नंबर है इसको आप कॉल करके इसको आप रजिस्टर कर देना पड़ेगा, और आज जेल आपको बोर्ड की कैटलॉग देखने को मिल जाती है जहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन रहती है, और चार्जिंग केबल में यहाँ पे आपको टाइप सी की चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है जो कि यहाँ पे फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और कुछ एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे ईयर टिप्स देखने को मिल जाता है। और एंड में बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे तो कि ये जो नेकबैंड आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, नेकबैंड की क्वालिटी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा प्राइसिंग के हिसाब से, यहाँ पे ये ज़्यादा स्किन फ्रेंडली नहीं है लेकिन इसकी जो क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बटन्स आपको यहाँ पे कुछ 4 देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपको डेडिकेटेड जो बीस्ट मोड का बटन है, और यहाँ पे जैसे तो आपको प्लस माइनस का भी बटन देखने को मिल जाएगा, और एक मल्टी फंक्शनल वाला यहाँ पे आपको एक बटन देखने को मिल जाती है, और एक LED इंडिकेटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, और वायर के बारे में बताऊँगा तो वायर की क्वालिटी मुझे काफ़ी यहाँ पे अच्छा लगा, 1000 के प्राइस के हिसाब से यहाँ पे आपको वायर काफ़ी बढ़ा दिया गया है। ये देख सकते हो ईयरबड्स आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है, इस पर जो मैग्नेट है काफ़ी मुझे यहाँ पे इसका जो मैग्नेट स्ट्रॉन्ग लगा है, रेगुलरली अगर देखोगे तो बोट इतना जो मैग्नेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता लेकिन यहाँ पे ये है, और आपको थोड़ी सी टिल्टेड टाइप का देखने को मिल जाती है जिसकी वजह से आपको कम्फर्ट काफ़ी यहाँ पे बढ़िया देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो ये ईयर टिप्स है ये भी आपको थोड़ी सी सॉफ्ट टाइप का देखने को मिल जाती है। इस नेकबैंड एक्चुअली आपको काफ़ी फ्लेक्सिबल देखने को मिल जाती है, आराम से इसको आप पॉकेट में कैरी करके ले जा सकते हो, काफ़ी लाइट वेट है, मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा इसका जो बिल्ड क्वालिटी, हालांकि ये प्लास्टिक पे है लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से मुझे काफ़ी यहाँ पे बढ़िया लगा है। कनेक्टिविटी में यहाँ पे आपको 5.2 के साथ साथ यहाँ पे जैसे कि आपको ये हाई क्वालिटी AAC कोडेक को भी सपोर्ट करता है। ये जो मल्टीफंक्शनल बटन है इसको आप सिंगल बार प्रेस करते हो तो यहाँ पे ये प्ले पॉज के लिए काम करते हैं, ये जो प्लस बटन है यहाँ पे आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हो, माइनस बटन से इसको वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हो, प्लस बटन को प्रेस करके होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट सॉन्ग के लिए, और प्रीवियस सॉन्ग के लिए यहाँ पे आपको माइनस बटन को प्रेस करके होल्ड करना पड़ेगा। कॉल आंसर करने के लिए जो मल्टीफंक्शनल बटन है इसको अगर सिंगल बार प्रेस करते हैं तो कॉल आंसर हो जाएगा, फिर से अगर इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे कॉल भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और कॉल को रिजेक्ट करने के लिए इसको आपको प्रेस करके होल्ड करके रखना पड़ेगा तो यहाँ पे इमीडिएटली कॉल रिजेक्ट हो जाता है, और रीडायल करने के लिए यहाँ पे ए बटन को आपको 3 बार कंटिन्यूसली प्रेस करना पड़ेगा तो यहाँ पे जैसे तो ये रीडायल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्विक स्विच बटन है इसको अगर सिंगल बार प्रेस करते हैं तो यहाँ पे बीस्ट मोड के लिए एनेबल हो जाता है, फिर से अगर प्रेस करोगे तो यहाँ पे नॉर्मल मोड के लिए आप यहाँ पे स्विच कर पाओगे। अपने फ़ोन में गूगल असिस्टेंट को वेक करने के लिए मल्टीफंक्शनल बटन को आपको 2 सेकंड के लिए प्रेस करके होल्ड करके छोड़ देना है, उसके बाद यहाँ पे ये वेक हो जाता है। तो अभी इस नेकबैंड के एक म्यूजिक कॉल और साथ में गेमिंग टेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली नॉन कॉपीराइट सॉन्ग का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर आपको हिंदी सॉन्ग में इसका आउटपुट जानना है आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मेरे IGTV में चेक कर सकते हो।
तभी का आवाज आप सुन रहे हो, ये आवाज आपको इसी बोट रॉकर 205 Pro से मिल रहा है। और यहाँ पे एक्चुअली आपको ये नेक्स्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। यहाँ पे मेरा जो फैन है मैं फुल स्पीड में चालू रखा हूँ ताकि बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइज हो, और उसी दौरान अगर आप इसी नेक बैंड का यूज करके किसी को कॉल करते हो तो माइक की क्वालिटी आपको कुछ इस तरह से मिलने वाला है। तो अभी अगर बात करते हैं कि 1000 रुपीज़ के लिए ये नेकबैंड आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो मैं बोलूंगा कि भाई वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो गेमिंग मोड है ना वो बिल्कुल आपको इंस्टेंट देखने को मिलती है। मतलब 1000 रुपीज़ के लिए जो 65 मिलीसेकंड का आपको लो लेटेंसी दे दिया है ना, मतलब जो गेमर्स है उनके लिए तो एक बोलूंगा कि वन ऑफ द वरदान है आपके लिए। आप इसको बिल्कुल से खरीद सकते हो, मतलब बजट में एक अच्छा नेकबैंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है गेमिंग वाली। बात करते हैं म्यूजिक के लिए, तो म्यूजिक के मामले में बोलूंगा कि जिसको ज़्यादा बेस वाले यहाँ पे म्यूजिक पसंद है उनको ये काफ़ी बढ़िया लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बेस काफ़ी ज़्यादा देखने को जाती है। और ये जो बेस है मैं बोलूंगा कि थोड़ी सी आपको ओवर पावर देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से जो ट्रेबल हो गया, जो वोकल्स हो गए, वो सारी चीज थोड़ी सी आपको मफल्ड लग सकती है, लेकिन आपको कोई भी डिस्टोर्शन महसूस नहीं होगा। और 1000 प्राइस के हिसाब से आपको मैं बोलूंगा कि आपको यहाँ पे डिसेंट सी साउंड देखने को मिल जाती है। कॉलिंग के मामले में अगेन जो ENX टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आपको जो कॉलिंग एक्सपीरियंस अगेन अच्छा देखने को मिल जाती है, मतलब बैकग्राउंड की नॉइज थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे क्लियर कर देता है। तो अगर आप ऑनलाइन मीटिंग हो या फिर कोई क्लासेस वगैरह करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बात करते हैं कि एक्चुअली इसका जो बिल्ड क्वालिटी आपको कैसे देखने को मिलता है, तो बिल्ड क्वालिटी भाई मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा है 1000 रुपीज़ के हिसाब से। आपको ये एक्चुअली स्किन फ्रेंडली टाइप का नहीं है, लेकिन आपको मैं बोलूँगा कि इसकी जो क्वालिटी है 1000 रुपीज़ के लिए इसका नेकबैंड काफ़ी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि ज़्यादातर टाइम अगर देखोगे जो 1000 रुपीज़ में जो भी नेकबैंड आते हैं ना उसके जो ये वायर इतने अच्छे नहीं रहते, लेकिन इस बार एक्चुअली आपको वायर काफ़ी यहाँ पे बढ़िया दे दिया है। और यहाँ पे फाइनली बोट के जो ईयरबड्स में थोड़ी सी यहाँ पे सुधार आ चुका है, काफ़ी कम्फर्टेबल है, इसको मैंने यूज़ किया हूँ। और मैं बोलूँगा ओके सॉरी, ये उल्टा मैंने पहन रहा था, तो यहाँ पे काफ़ी कम्फर्टेबल अगर आपको मैं बताऊँगा तो देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरह से एक्चुअली आपको कान पर फिट हो जाते हैं, काफ़ी कम्फर्टेबल है, मतलब बहुत अच्छा लगा। आपको टिल्टेड वाला जो देखने को मिल जाता है, जिसके से आपको यहाँ पे काफी अच्छा कंफर्ट फिट भी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल 1000 रुपीज के लिए तो मेरे तरफ से आपके लिए यहाँ पे रेकमेंडेड है, बिल्कुल ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पे काफी अच्छा देखने को मिल जाती है। 30 आवर्स का जो प्ले बाय टाइम है उसके वजह से मतलब मैं बोलूंगा कि आपको मतलब लॉन्ग टाइम तक चलेगा, लेकिन ये मान के चलो ना कि एक्चुअली ये जो 30 आवर्स क्लेम करते हैं वो 50-60% वॉल्यूम ही एक्चुअली अगर सुनोगे तभी मिलेगा। तो आप ये मान के चलो कि आपको अराउंड 20 आवर्स से लेकर 22 या फिर 25 आवर्स तक मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और 1000 रुपीज़ में उतना मेरे लिए तो काफ़ी है, तो आप बिल्कुल से इसको मतलब अगर लॉन्ग टाइम तक अगर इसको यूज़ करना चाहते हो, मतलब अगर आपको लंबी बैटरी वाले अगर नेकबैंड चाहिए उस मामले में भी ये अच्छा आपके नेकबैंड हो जाएगा। तो ओवरऑल भाई मैं जैसे आपको कहा कि इसको मैं रिकमेंड करता हूँ 1000 रुपीज़ के लिए। और भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो इस पर्टिकुलर नेकबैंड के रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके DM करो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई करूंगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। न्यू ईयर से पहले आपको 10,000 रीच करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।